और अब खबर रायपुर से है, जहां की पुलिस परेड ग्राउंड में स्कूल बसें जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 150 बसों की जांच की गई। इसके साथ ही बस ड्राइवरों का मेडिकल टेस्ट भी किया गया। बसों की जांच के दौरान कई खामियां निकलकर सामने आई हैं। 5 में से 3 गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न मिले। वहीं जांच के दौरान 2 बसों के फिटनेस टेस्ट भी यहां पर मिले हैं। इस शिविर में कनगेर वेली स्कूल की 10 में से 4 गाड़ियां जांच कराने नहीं पहुंची, जिन्हें आरटीओ ने कानगेर वैली स्कूल को परमिट निरस्तीकरण के लिए नोटिस भेज दिया है। देखिए ऑलमोस्ट हम ये देखते हैं कि हर स्कूल की बस का हर साल फिटनेस कराया जाता है, फिर भी हम लोग यहाँ पर स्कूल बच्चों की सेफ्टी के लिए हर साल कैंप लगाते हैं। तो हर साल 2 ही कैंप होते हैं, इस बार 3 कैंप लगाए गए और 3 कैंप में तीसरे कैंप में हमको ऐसा लगता है कि हम कम से कम 90% से ऊपर गाड़ियां हम कवर कर चुके हैं।